हेलो साथियों, आज के इस वीडियो में हम कुछ बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स लेकर के आए हैं। कुछ स्टूडेंट्स की गुप्त प्रॉब्लम है जो मैं यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, और कुछ स्टूडेंट की मतलब रियल में सबसे बड़ी मुसीबत है। पहला कमेंट है लौकुश यादव का, ये 7 महीने पहले का कमेंट है। इसको स्क्रीनशॉट लेकर के हमारे साथी ने रखा हुआ था। इन्होंने लिखा है कि आपकी क्या कोई ऑनलाइन क्लास चलती है, मुझे भी मैथ सीखना है, मैं मैथ में बहुत वीक हूँ, प्लीज आप हमारी हेल्प कीजिए, आप बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं सर, हमें क्लास 5 से सीखना है। क्या आप जान रहे हैं ये क्लास 5 में है? इनकी शक्ल फोटो में देखिए, ये 5 क्लास वाले बच्चे के पापा हो भी हो सकते हैं, लेकिन इनको नहीं आता है इसलिए परेशान है। तो अगर आप भी ऐसे हैं मुसीबत में तो आप बिल्कुल हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगला कमेंट अगर आप देखेंगे तो शाहबाज खान का है, ये लिखते हैं कि आप बहुत अच्छे से समझाते हैं, एक एक शब्द समझ में आ जाता है, थैंक यू। अगला कमेंट भी आप देख सकते हैं, सिंह विथ सीवी लिखती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, मैं बचपन से ही मैथ में बहुत वीक रही, मुझे हमेशा मैथ से डर लगता था, हमारे टीचर जो पढ़ाते थे वो समझ में नहीं आता था, इस एज में मुझे लगा कि, उसके बाद इन्होंने कमेंट को रीड मोर किया ही नहीं, अभी हो सकता आगे मिल जाए, लेकिन आप स्टार्टिंग से ही समझ सकते हैं कि ये कहना क्या चाहते हैं। अगला आप देख सकते हैं, नवीन प्रताप सिंह लिखते हैं, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं बेसिक से तैयारी करना चाहता हूँ ताकि आगे SSC की प्रिपरेशन कर सकूँ, मैथ काफ़ी वीक है ना, थैंक यू, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जी जुड़ने के लिए, और उम्मीद है कि आप जिस उम्मीद के साथ आए थे वो आपको मिलेगा। जसप्रीत जी क्या लिखते हैं ये तो आप देख ही सकते हैं, इसमें तो हम पढ़ेंगे ही नहीं, पढ़ ही नहीं सकते यहाँ पर इनके शब्द। आगे सिया कश्यप जी लिखते हैं कि थैंक यू सो मच, इतना मेहनत करने के लिए हम सबके लिए, इस ऐसी वीडियो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है, थैंक यू सो मच। तो जो ये बेसिक मैथ हम 0 लेवल से हमेशा पढ़ाते रहते हैं, आपको लगता है कि कक्षा 5 वाला बच्चा पढ़ता है, नहीं, कक्षा 5 वाला नहीं पढ़ता है, इसको कक्षा 5 वाले बच्चों के गार्जियन पढ़ते हैं। हीना चौधरी लिख रहे हैं कि सर मैं अभी बहुत परेशान हूँ मैथ से, क्या करूँ सर, सीखने में बहुत कोशिश करती हूँ लेकिन थोड़ी बहुत समझ आती है फिर 0 हो जाती हूँ, और बचपन से अब तक मैं मैथ में 0 हूँ। अगर आपका भी ये सवाल है तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, PBR स्टडी में 0 लेवल से एकदम शून्य से हम लोग शुरू करते हैं, एकदम 0 से हम पढ़ाते नहीं हैं, साथ में पढ़ते हैं और हम लोग मिलकर सीखते हैं। तो अगर आपकी भी ये समस्या है तो आप PVR स्टडी ऐप जा करके गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए और बिल्कुल 0 लेवल से ज्वाइन करके आज ही स्टार्ट कर दीजिए। आगे आप देख सकते हैं डिवाइन सोल JMD क्या नाम है इनका, जो भी ये लिख रहे हैं, रियली सल्यूट यू सर, आप जो कर रहे हैं खुद ये करने को हम सोचते थे पर किसी ने किया, ये सोचकर बहुत खुशी हुई, क्योंकि बचपन में जो छूट जाता है लोग उसे ना किसी को शेयर कर पाते हैं और ना ही बाद में क्लियर करता है, मतलब कोई क्लियर करता है, जिससे मैथ और उससे उस व्यक्ति के बीच ऐसी खाई बन जाती है जो कि भरना नामुमकिन होता है। ग्रेट वर्क, गॉड ब्लेस यू जी, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, आपने इतना अच्छा कमेंट लिखा, इतना मीठा लिखा। अगला कमेंट आप देख सकते हैं, ये मोहित देशमुख जी लिख रहे हैं कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हो गया हूँ आपको वीडियो देखकर सर, मैथ की प्रॉब्लम है ये 100 में से 60% लोगों की प्रॉब्लम है। देखिए लिखना क्या चाहते हैं इन्होंने, कहीं कामा फुल स्टॉप नहीं लगाया तो आप इसे समझेंगे तभी समझ में आएगा। इनका कहने का ये मतलब है कि लोग नॉर्मल सा हिसाब नहीं कर पाते हैं, पर मैथ कम से कम इतना आ जाए कि किसी के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। ऐसा होता नहीं कभी कभी घर में परिवार में हम लोग कोई चीज़ खरीदने जाते हैं लेने जाते हैं, मान लीजिए उदाहरण के लिए आप मार्केट से बादाम खरीदने गए, 800 रुपये किलो मिल रहा है, अब मम्मी ने भेजा भाई आज त्यौहार है कुछ बनाना है, जाओ 150 ग्राम बादाम ले आओ, अब 800 रुपये किलो मिल रहा है, अब तुम लेके गए भाई 1000 रुपया, लाना तुमको कितना है 150 ग्राम, अब तुमको मैथ आती नहीं तो जोड़ोगे कैसे, आखिर 150 ग्राम का होगा कितना रुपया, और दुकानदार ने तुमसे 200 रुपये ले लिया, अब बताओ सही किया गड़बड़ किया ना, अब पर घर पे आए पापा लगे गरिया ने कि मैं पागल वागल है का, इतना दिन कहाँ पढ़ा स्कूल में जा करके, जोड़ घटा नहीं पाता इतना, सोचो कितनी बड़ी बेइज्जती होती है। तो कम से कम नौकरी के लिए नहीं, छोकरी के लिए नहीं, ये खरीदारी के लिए तो उतना तो आना चाहिए ना थोड़ा बहुत, है ना। आगे आप नेक्स्ट कमेंट देख सकते हैं, अगला इनका तो आपने देख ही लिया,
ये मुसीबतें हैं, ये प्रॉब्लम है, ये रियल में लोगों की समस्या है। कमलेश सिंह लिखते हैं, हेलो सर, मैथ में बहुत कमजोर हूँ, प्लीज आप हमें पूरी मैथ करवाइए, बहुत भला होगा, आपका फीस भी देंगे, प्लीज रिप्लाई। इनको भी रिप्लाई कर दिया गया फिलहाल के लिए। ट्रिकी भाई जो भी हैं, इन्होंने क्या लिखा है कि सच में मुझे मैथ नहीं आती, लेकिन अब मेरा डर निकल रहा है। मैं 14 साल का हूँ, मुझे सच में मैथ को सच में अच्छे से सीखना है। बिल्कुल आप सीख सकते हैं। अगला कमेंट आप देख सकते हैं अमित कुमार का, इन्होंने लिखा है कि जो मैथ में 0 है उसके लिए इससे अच्छा तरीका सही टीचिंग कोई नहीं करता है। मतलब इनका कहने का मतलब जो मैथ में 0 है उसके लिए ये तरीका बहुत बेहतर है, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है, और जिनको सीखना है बच्चों के लिए सुपर तरीका है मैथ सिखाने का, वेरी नाइस टीचिंग, आसानी ही मैथ सीख बच्चा धीरे धीरे अच्छी मैथ। मतलब इन्होंने जो लिखा है अपनी तरह से उसको हर कोई नहीं समझ सकता, लेकिन इनका कहने का ये मतलब है कि जो आप पढ़ा रहे हैं, जैसे पढ़ा रहे हैं बच्चों को सीखने के लिए जिनको मैथ में नहीं कुछ आता है, उनके लिए बहुत बेहतरीन तरीका है। इसके बाद देखिए नेहा कुमारी का, इन्होंने लिखा है कि मैं एक हाउस वाइफ हूँ, लंबे समय से मैं स्टडी छोड़ चुकी थी, मेरी स्टडी छूट गई थी, फैमिली बच्चे, बट अब मेरा ड्रीम है कि मैं कुछ करूं, मैं अपना ड्रीम पूरा करना चाहती हूं, थोड़ी नर्वस हूं मैथ को लेकर के, लेकिन मुझे ये चैनल मिला, मेरी एक नई आशा जगी, मेरी एक नई उम्मीद जगी कि अब मैं मैथ सीख कर अपना वो ड्रीम पूरा कर पाऊंगी। थैंक यू सो मच, आप कंटिन्यू रहें। बिल्कुल। और अगला कमेंट अगर हम देखें तो इसमें आप पढ़ सकते हैं, स्क्रीन पर थोड़ा आगे पीछे हो जा रहा है। देखिए इन्होंने क्या लिखा है कि आप बहुत अच्छा मैथ पढ़ाते हैं, मैं आपके चैनल पे न्यू ज्वाइन किया हूँ, मुझे आपकी क्लास बहुत पसंद आई, ऐसे तो हमारे स्कूल के टीचर भी नहीं मैथ पढ़ाते थे हमें, धन्यवाद। इस तरह के एक नहीं, दो नहीं, हजारों लाखों बहुत सारे कमेंट्स हैं, अगर हम इन्हें देखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, सबका कमेंट नहीं देखा जा सकता, लेकिन कुछ स्क्रीनशॉट्स लेकर के हमारे साथियों ने रखा था तो मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखाई देते हैं। अगला मनीष जी लिख रहे हैं कि सर आई एम योर न्यू सब्सक्राइबर एंड 10th क्लास में आ गया हूं, लेकिन मुझे मैथ नहीं आती है, बिल्कुल भी नहीं आती है, लेकिन मैं फुल बेसिक मैथ सीखना चाहता हूं, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा है कि शुरू कहां से करें। अरे मेरे भाई, यही तो मुसीबत आजकल इंडिया की 95% की है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो शुरू कहां से करें उसका सलूशन। एक आपको बहुत अच्छी बात बताऊं, जब कोई नहीं होता हमारे यहां साथ में यहां पर, तो हम खुद से खाना बनाते हैं, तो रोटी बनाने के लिए ना सोचने में 1 घंटा लगता है कि आखिर शुरू कहाँ से करें, आटा गूंथेंगे, हाथ में लगेगा, सेकना पड़ेगा, पसीना होगा, गर्मी लगेगी वगैरह वगैरह, और 3-4 रोटी बनाने में 5 से 7 मिनट लगता है, और सोचने में 60 मिनट लगता है, 1 घंटा लगता है, लेकिन बनाने में 10 मिनट के अंदर बन जाता है। तो भाई ये मैं अपनी प्रॉब्लम बता रहा हूँ कि सोचने में 1 घंटा से 2 घंटा लग जाता है, लेकिन उसको करने में 5-7 मिनट लगता है। तो वैसे आप सोचिए मत, शुरू कर दीजिए, जहाँ पर भी आप हैं वहीं से शुरू कर दीजिए। आप NCERT कोई बुक लीजिए, या सबसे अच्छा तो आपके पास अब माध्यम है, YouTube पे बहुत सारे चैनल हैं, बहुत सारे लोग हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो आप हमारे साथ शुरू कर सकते हैं, हम तो हर महीने एक नया बैच शुरू करते हैं। PVR स्टडी ऐप में जाकर के आप हर सप्ताह नया बैच ले सकते हैं, शुरू होता है, ठीक है। इन्होंने क्या लिखा है, सर जी कन्फ्यूज हो रहा हूँ, कौन कौन सा लिस्ट देखूँ, 24 वाला या 16 वाला या फिर दोनों, इनका मतलब मैं नहीं समझ पाया। बहुत सारी प्लेलिस्ट बनी है, तो कुछ अभी कंटिन्यू चल रही है, उसमें कम वीडियो है, कुछ पूरा हो गई, उसमें ज़्यादा वीडियो है, तो जो पूरा हो गई आप उसी को देखिए। अगला शिल्पा जी लिख रही हैं कि आप थोड़े वर्ड्स हिंदी में बोलते हैं तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है, आप थोड़ा इंग्लिश भी यूज किया करिए, इनका मेन सवाल यही है। शिल्पा जी, ये चेंजिंग मैंने पहले से कर दिया है, अब क्लास की जो भी कंटेंट होते हैं उन्हें हिंदी इंग्लिश दोनों में बोला जाता है, और बातचीत की भाषा हिंदी होती है, बाकी दोनों का यूज किया जाता है। इन्होंने क्या लिखा, सर जी बीच मजेदार में मत कीजिए, अकेला मत कीजिए, आप मैथ के हीरो हो हम जैसे स्टूडेंट के लिए। इनका नाम है गायत्री चौरसिया जी। बिल्कुल, बीच मजेदार में हम अकेला बिल्कुल नहीं करने वाले किसी को, और हमारी कोशिश यही है कि आप लोग साथ चलें, अपनी जो भी ड्रीम्स हैं उन्हें पूरा कर सकें। और अगला पृथ्वीराज सिंह लिखते हैं कि कम से कम 3 दिन से आपका चैनल देख रहा हूं, मेरा आज मैथ में सबसे ज़्यादा मन लगा और आप अच्छा पढ़ाते हैं जी। बहुत बहुत थैंक यू आपको भी कि आपने इतनी मेहनत किया हमारे साथ मिल करके। तो इस तरह से बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे कमेंट्स हैं, मैं अगर सब पढ़ूंगा तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, मैं थोड़ा थोड़ा दिखा देता हूँ, इस तरह से आप देख सकते हैं। फिलहाल तो आज के लिए इतना ही, मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ,
आप जाकर के पीवीआर स्टडी चैनल की किसी भी वीडियो में सब देख सकते हैं। मैंने कहीं से कुछ बनाया नहीं, नीचे देखे रिप्लाई भी किया गया है रियल में पीवीआर स्टडी इलाहाबाद चैनल से, किसी दूसरे चैनल का कॉपी भी नहीं किया है। तो फिलहाल उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं और हमारे साथ संतुष्ट हैं। कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये आप लोगों का फीडबैक था। आप हमारे क्लास के बारे में क्या सोचते हैं, क्या कमियाँ हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं, उन्हें जरूर लिखिए। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के पीवीआर स्टडी ऐप का रिव्यू दीजिए, वहाँ पे 5 स्टार दीजिए। अगर अच्छा लग रहा है, बेहतरीन लग रहा है, कोई कमियाँ हैं तो 1 स्टार दीजिए। अपनी कमियाँ गिनाइए, क्या क्या कमी है, क्या क्या सुधारा जा सकता है। थैंक यू।